बच्चे चार हटाएंगे, बच्चे चार हटाएंगे, बच्चे चार हटाएंगे, बच्चे चार हटाएंगे। आज आप ये धरने में बैठे हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सबसे पहले मांग है इसके अंदर कि भ्रष्ट राजनेताओं को, भ्रष्ट नौकरशाहों को, भ्रष्ट कॉर्पोरेट जगत में जो भ्रष्टाचारी है उनका गठबंधन टूटना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कब से आप आंदोलन चला रहे हैं? हमारे को आंदोलन चलाते हुए 10 साल हो गए हैं जंतर मंतर के ऊपर। समय समय पर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जनआंदोलन चलाते रहते हैं। जी जी, तो इस बार आप किससे डिमांड कर रहे हैं, किसको? इस बार हम देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री डिमांड कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार ये पूरा जनआंदोलन है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश की जनता की आवाज है। भ्रष्टाचार से देश का हर आदमी त्रस्त है, इसको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। आज अन्ना हजारे भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बैठे हुए हैं, उनका भी, उनको भी आपका समर्थन है? हमने सब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी बैठे हैं सबको हमारा समर्थन है। अच्छा सर, तो किस मुद्दे पर और कहां से किन लोगों को आप नस्तो नाबूद करना चाहते हैं, किनके चेहरे सामने लाना चाहते हैं? हम उन लोगों को नस्तो नाबूद करना चाहते हैं जो देश के अंदर भ्रष्टाचार के नाम पर देश की आम जनता का धन लूट रहे हैं, उन लोगों को हम चेहरे उनके सामने लाना चाहते हैं। क्या नारा है आपकी वानर सेना का? हमारा नारा है भ्रष्टाचार हटाओ, देश बताओ, राम राज्य लाओ। राम राज्य, क्या लगता है आपको दोबारा राम राज्य आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। देश की जनता पूरी अवेयरनेस हो गई है, जागरूक हो गई। क्या राम राज्य को रामदेव लेके आएंगे? राम राज्य को वानर सेना लेके आएगी। वानर सेना।